वो कमेटी मटी सा फ्रॉड है, ये हमारा बेवकूफ बना रहे हैं, हमें लार लगा कर रखना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि ये चले जाएंगे उठ के। इन्हें ये नहीं पता कि हम किसान हैं, हम मजदूर हैं, हम तो बीज देख के बता देते कैसी फसल होगी, हम इन्हें जानते हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ फैसला 21 तारीख को करना, और ऐसा करना कि मेरी याद रहे। ये हमारी ताकत को आजमाने का काम कर रहे हैं, और अगर अगर बिल्कुल ही हो जाए तो बच्चियों को छोड़ देना, जितनी लाठियों में जोर है हम पे आजमा लेना भाई। हमारी बहन बेटियों की तरफ वो मत करना। उस दिन रात की वह आज भी याद है हमें। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये बात कहूंगा, पुलिस प्रशासन के लोगों से, जमीन में रखो, रीढ़ की हड्डी में रखो, तुम भी किसान का मेरे को बेटे हो। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि हमारे नेशनल मीडिया के लोगों पे इतना दबाव है कि वो चाहकर भी इस खबर को दिखा नहीं पा रहे। वो भी चाहते हैं मन से कि इसको दिखा दें। ये तो अगर हमारे YouTube वाले, ये जो बहुजन मीडिया, हमारी बहनें ये ना हो तो इनका बस चलेगा तो ये यहाँ बता दे कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ तो पहलवान भी नहीं, इनका जो मना है बता दे। वो कहते हैं ना, लश्कर भी तुम्हारा और सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, तो जो मना है लिख दो। तो इसलिए हम लोग कल सड़क पर गए थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। और बड़ी बात ये है ना, मेरे देखो हमारी पुलिस से कोई लड़ रहा है, ये भी हमारे लोग हैं। ये कौन है? ये किसान का मेरे को तो बेटे है ना। आप बताओ किसी नेता का बेटा कहाँ कांस्टेबल और वो हेड कांस्टेबल और वो दरोगा बनकर घूम रहा है? आप जानते तो सारी बात। ये वो लोग हैं जिनको जिनको पता है कि भाई अब घर चलना है, तो उन्होंने मेहनत करके नौकरी हासिल की है, तो इनसे तो कोई लड़ाई नहीं है। वो अलग बात है कि सरकार इनको आगे कर देती है। तो कल जब मैं आया तो मेरे सामने वो बहनें लाइन से खड़ी कर दी। अब मैं ये सोच रहा हूँ, एक तरफ तो बहनों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, दूसरी तरफ ये भी बहनें, तो क्या करें? तो मैं पीछे ही लौट गया। मैंने पूछा कि भाई क्या है कि भाई रात को निरूपण देने के? तो मेरे मन में एक बात है ना, एक होता है नाम चमकाना, वो कुदरत के हमारे महापुरुषों गुरुओं संतों के आशीर्वाद से बहुत, मुझे बहुत लोग जानते हैं मेरे काम की वजह से, तो मुझे नाम चमकाने की तो कोई जरूरत है नहीं। हम पीछे भी हो जाएं, हम सब लोग पीछे भी हो जाएं तो आंदोलन पे आँच ना आए। मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं उसको संभालूं, वरना जोर अजमाइश तो कल ही कर लेते। हम भी तो अखाड़े वाले हैं ना, हम अखाड़े वाले, कल ही हम जोर अजमाइश कर लेते, लेकिन जोर अजमाइश करनी नहीं है ना हमें, इस आंदोलन को मजबूत करना ये हमारी जिम्मेदारी। इसलिए मैंने बजरंग से कहा कि कोई बात नहीं, उनकी बात मान लो। अगर वो देखो मैं यहाँ हूँ, यहाँ से 200 मीटर दूर हूँ, 400 मीटर दूर, तू भी तो यही, दिल तो यही है ना। जिसकी बहनें यहाँ खुले आसमान के नीचे सो रही हैं, उसका दिल कहाँ हो सकता है आप बताओ? तो मेरा दिल यही है, शरीर ही तो वहाँ है, ध्यान तो यही है ना कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं इसलिए रात में यहाँ रुकने का मेरा ज्यादा वो था कि 2-3 बार की घटना पता लग गया। अजय भाई ने बताया, सतपाल भाई ने, पुष्पेंद्र भाई ने कि भाई कुछ लोग आके रात में परेशानी कर रहे हैं, तो पहले तो यही बहुत है देखने के लिए। फिर मैंने कहा अगर ऐसे नौबत आएगी तो हम ही लोग रह जाएंगे, हम तो सिपाही हैं, हमें पता है किसका इलाज कैसे होना है, कौन कौन सी दवा से मानेगा, घास कौन सी दवा से दूर होगा और जख्म कौन सी दवा से ठीक होगा, हमें तो पता है। हम तो किसानों के बच्चे हैं ना, हमें सब कुछ जानते हैं, पानी कितना देना है, कब पानी रोक लेना है, खाद कितना देना है, तो हमें जानकारी। तो इसलिए मैं कल पीछे थोड़ा सा हट गया कि भाई नहीं, 2 कदम पीछे हट के मैं आंदोलन को मजबूत करना। मैं एक और जिम्मेदारी के तौर पर कह रहा हूं, अब हमें इस आंदोलन को ना और थोड़ा सा ताकतवर करना चाहिए। उसके लिए हमें ना अब 21 की कॉल हमारे पंचायत के लोगों ने दे रखी है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उसके बाद एक जंतर मंतर पे भी हमें नेशनल कॉल देके रामलीला मैदान में आना चाहिए। हमें लाखों की संख्या में दिल्ली आना चाहिए, सरकार को पता लगना चाहिए कि आंदोलन कहां तक चला गया, चाहे हम जंतर मंतर आ जाए, चाहे हम रामलीला मैदान आ, ये तो अधिकार है ना हमारा। अगर हम सरकार की किसी बात से सहमत नहीं है, अगर हम हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो हमें अपनी बात को कहने का अधिकार है। और क्योंकि हम इस देश के रहने वाले, अपने भारत से प्यार करते हैं, तो हम अपने भारत के खिलाफ भी नहीं हो सकते, हम पे कोई आरोप भी नहीं लगाया जा सकता किसी तरह का। तो एक कॉल मैं अभी, क्योंकि 21 को आपको डिसीजन लेना, आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे याद है किसान आंदोलन 12-13 महीने लगे, जो काम हम 12-13 महीने 6 महीने बाद किए, ये सरकार को आप इसको इसके कार्य देखो, कहते ना इतिहास आदमी की जानकारी देता है, आप इनका इतिहास देखो, ये ऐसे नहीं मानते को मनाने के लिए वही रास्ता इख्तियार करना पड़ता, तभी मानते हैं लोग। चाहे हम 6 महीने, मुझे ऐसा लगता है यहां बैठे इनको असर नहीं पड़ेगा, इनको असर उसी तरह पड़ेगा जिस तरह किसान आंदोलन में पड़ा था। इसलिए चाहे हम 6 महीने बाद फैसला लें, क्योंकि आप मुखिया हो हमारे, आप सीनियर लोग, आपको फैसला लेना है। 21 तारीख को आप बैठोगे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, हम भी निर्णय ले लेते, लेकिन हम आपकी बात को छोटी नहीं करना चाहते, हम आपकी बात का सम्मान रखना चाहते हैं, उसको सर्वमान्य रखना चाहते हैं।
इसलिए मैंने सतपाल भाई से कहा था कि उन्हीं की बात के साथ चलेंगे। अगर इस आंदोलन को मैं लीड कर रहा होता ना प्रोटेस्ट के तौर पे, ये आंदोलन पहलवानों का नहीं होता, तब बताता मैं सरकार को कि किस तरह रोका जाता है, क्योंकि ये उनका आंदोलन है, उनको लीड करना है, उनको सारी चीजों का पता है, इसलिए हम लोग पीछे खड़े क्योंकि हम उनके साथ हैं। तो इसलिए आपको फैसला करना पड़ेगा 21 तारीख को कि आप कितने दिन अपने बच्चों को यहां इसमें जो है ना खुले टेंट में रखना चाहते हैं। फैसला आपकी जिम्मेदारी है और फैसला ठोक के करना। आपके एक बात पे मैंने फिर अभी बलारा जी कह गए अशोक भाई कि एक बार पैदा होता है आदमी, एक बार मरता है, लेकिन इतिहास उसको ना उसके कर्मों से याद रखता है, नाम से याद नहीं रखता। तो अगर आप फैसला ले लोगे तो फिर हम दिखाएंगे उस फैसले पे कायम रहते, फैसले पे कायम कैसे रखा जाता है। 6 महीने बाद भी आपको फैसला लेना पड़ेगा, 21 में भी आपको फैसला लेना पड़ेगा। आप इनको वो समझ रहे हो क्या, ये हंस है क्या, ये लोग ये हंस नहीं है, ये तो नेवले है, समझ रहे हो। इनके दांत देखो आप कितने खतरनाक है, ये इन्होंने चरित्रहीन से ज्यादा क्या नहीं किया। इनको करना ये चाहिए था कि ये कहते ठीक है जी, हम जिसने अपराध किया उसको हम उसको सजा दिलाने मदद कराएंगे। बताओ इनका एक नेता बोला क्या, ये चुनाव के बीच तो आगे बहुत बोलते हैं, बोला एक ना एक नेता कि करा दो जांच। और कमेटी कल की आप पढ़ लो, उसने रिपोर्ट में लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं जो कमेटी बनाई थी कि वो हमारे पिता तुल्य हैं ब्रजभूषण सिंह, जो जो अपने पिता को कौन सजा दिला देगा भाई, वो कमेटी वमेटी सब फ्रॉड है, ये हमारा बेवकूफ बना रहे, हमें लार लगा कर रखना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि ये चले जाएंगे उठ के, इन्हें ये नहीं पता कि हम किसान हैं, हम मजदूर हैं, हम तो बीज लेके बता देते कैसी फसल होगी, हम इन्हें जानते हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं फैसला 21 तारीख को करना, और ऐसा करना कि मैं भी याद रहे, ये हमारी ताकत को आजमाने का काम कर रहे हैं। आप ये देख लो क्या हालत होगी, 24 दिन हो गए और इनको एक शब्द नहीं निकल रहा इनके मुंह से, ये करना नहीं चाहते। ये तब करेंगे जब हम इनके छाते पे गोटा रख देंगे ना, तब करेंगे ये काम, ऐसा नहीं करेंगे, हमें रखना आता है। इसलिए मैंने कहा था कि खुंटा ठोकेंगे, तो मैं आपसे ये कहने के लिए आया आपसे, तो इसलिए मुझे कहना था, मेरे दिल में बात थी कि आपसे कहूं। अगर आपने कहीं इन्हें कोई और टाइम दे दिया, अभी 7 के बाद 15 दिन दिए ना, कुछ बदला है क्यों भाई? हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। फिर दूसरी बात यह है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। अन्याय हो रहा है इसलिए हम लोग यहां हैं। कल हम सड़क पे यही बताने गए थे कि देखो इस अन्याय को देखो और समझो, आज इनके साथ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, हमें इस अन्याय को आज ही रोकना पड़ेगा। ये बात बहन बेटियों के सम्मान की है, तो बहुत अच्छा है, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आंदोलन मजबूत हो रहा है। मैं तो यही उनके पास, शाम के टाइम हम भी तय करेंगे, कल तो उनका उनकी बात थी, हमें उसमें होने का, अगर वो चाहेंगे उस तरह से भी हम आंदोलन को मदद करें उस तरह भी कर देंगे, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य यह है कि जब तक हम इस आंदोलन को जीतेंगे नहीं तब तक हम यहां से हटेंगे नहीं। ये बात सरकार अच्छी तरह समझ ले और शासन प्रशासन भी समझ ले, और मैं हाथ जोड़े कहूंगा शासन प्रशासन के लोगों से, पुलिस के लोगों से, कि देखो बेवजह तो टकराना नहीं, और अगर बिल्कुल ही हो जाए तो बच्चियों को छोड़ देना, जितनी लाठियों में जोर है हम पे अजमा लेना भाई, हमारी बहन बेटियों की तरफ वो मत करना। उस दिन रात की हुआ आज भी याद है हमें, मैं आपसे हाथ जोड़ के ये बात कहूंगा पुलिस प्रशासन के लोगों से, जमीन में रखो, रीढ़ की हड्डी में रखो, तुम भी किसान का मेरे को बेटे हो, कभी कभी तुम्हारी हरकतें ऐसी हो जाती है कि शर्म आती है कि हमारे अपने लोग। इसलिए आपसे कहना है कि आप अगर जोर जमाइश हो तो ये हम देंगे इसके लिए कुर्बानियां। हम शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर सर छोटू राम जी को मानने वाले लोग हैं, और अन्याय के आगे कभी हार नहीं मानी हम लोगों ने, इसके आगे भी नहीं मानेंगे। और अगर अन्याय करने वाला है, समझता है कि वो खुदा है, वो बहुत ताकतवर है, याद रखो कि आपसे बड़े बड़े ताकतवर लोगों को फूल चाटनी पड़ी है। ये जनता है जिस दिन खिलाफ खड़ी होती ना, बड़े से बड़े को पटकनी दे देती है। आज आप ताकत में हो तो आप नशे में होंगे, आपको लग रहा है सब कीड़े मकोड़े कुचल दो, मार दो, काट दो, क्या की नहीं किया। जो बच्चिया जिनके नाम चले गए उनके घर गुंडे भेज रहे हैं, उन पे जोर आजमाइश कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उनको पैसों का लालच दे रहे हैं, इज्जत से बड़े पैसे होते क्या आप मुझे बताओ। मानसार आदमी धोखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। ये इन्होंने हमारी पगड़ी के साथ खिलवाड़ की है, इनको इनका सबक सिखाएंगे हम लोग, क्या तो वो आदमी जिस आदमी पर जो अपराधी है उसको सजा मिले। और न्याय सम्मत बात हो, आप सब लोग सुन लो, विधि के समक्ष सब लोग बराबर हैं। जैसा हमारे साथी कह रहे थे, अगर ये अपराध किसी आम आदमी ने किया होता तो उसकी खाल खींच के भूस भर देते, उसके घर के लोग बैठे होते। ये ताकत है कि उस ताकत के दम पे वो बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं और उनके कुनों कुछ नहीं कहा जा रहा, उनसे पूछताछ हो रही है और हमें हमारी बात को जो है ना दबाने काम किया जा रहा है। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं, ये जिम्मेदारी है,
घर की इज्जत सबसे बड़ी होती है, जब इज्जत पे आंच आ जाए। और हमने तो सीखा है, हमें तो आदत हो गई है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे, और हम आज भी इसलिए लड़ रहे हैं। वो सब चीजें बहुत बात की बात है, राजनीति, चुनाव, सब कुछ, लेकिन लोग आपको याद क्यों रखे? इसलिए कि आप राजनीति में थे, आप विधायक एमपी थे, लोग आपको इसलिए याद रखे। शहीद आजम भगत सिंह कौन से एमपी एमएलए थे, कौन से मिनिस्टर थे आप बताओ? उनको कौन सी वो मिल रही थी, वो क्यों लड़ रहे थे? उनके दिल में आग थी, और आज ये आग यहां बैठे हर एक दिल व्यक्ति के दिल में, जो ये चाहता है कि अन्याय बंद। अभी एक और फैसला शायद अभी थोड़ी देर में आएगा, अजय भाई बता देंगे कहीं जाने का, आज फिर हम लोग थोड़ा सा मार्च करेंगे। अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।